हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी उपमा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही ज़्यादा खिला खिला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी विद टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी सूजी और तेल। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, सूजी मैंने एक कटोरी लिया है। उसके अलावा एक बारीक कटा प्याज है, एक करिया हरी मिर्च है, एक करिया पत्ती का स्ट्रिप है, थोड़ा सा हींग है, जीरा, सरसों, चना दाल, उड़द दाल और सूखी लाल मिर्च, ये है तड़का लगाने के लिए। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, मूंगफली और काजू। सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन और उसमें मैंने डाला है एक कटोरी सूजी। सूजी डाल के इसे हम लोग सूखा ऐसे ही भुनेंगे बिना तेल के। इसे हमें ब्राउन होते तक नहीं भुनना है, इसे का कच्चापन जाना चाहिए और ये थोड़ा दानेदार दिखना चाहिए, बस उतना ही हमें भुनना है, कलर चेंज होते तक नहीं भुनना है। ये भुन चुका है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल के जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया है उसी कटोरी से मैं पानी भी लूँगी। आप चाहे कटोरी, ग्लास लो, कप लो, जो भी लो, उसी के अकॉर्डिंग हम सारा मेजर करेंगे। तो मैंने एक कटोरी सूजी लिया है तो मैं सेम उसी कटोरी से दो कटोरी पानी ले रही हूँ। एक कटोरी सूजी है तो दो कटोरी पानी है। अब मैं इसे बॉयल होने रख दे रही हूँ। पानी बॉयल हो रहा है, अब हम बनाते हैं उपमा। फिर मैंने सेम उसी पैन में डाला है ऑयल, दो टेबलस्पून डाल के अभी मैंने इसमें दो टीस्पून मूंगफली डाला है। मूंगफली डाल के मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। काजू कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। इन्हें थोड़ा क्रिस्पी होते तक हम भुनेंगे, ये डालने से टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। अब ये फ्राई हो गया है, मैंने निकाल रही हूँ। निकाल के आप सेम इसी पैन में हम लोग करते हैं आगे का प्रोसीजर। ये उपमा बहुत जल्दी बनता है, बहुत टेस्टी है। अब मैंने इसमें डाला है चना दाल और उड़द दाल, दोनों छोटा जो स्पून होता है उससे हाफ हाफ टीस्पून है। उसके बाद जीरा और सरसों, ये भी हाफ हाफ टीस्पून है। उसके बाद एक सूखी लाल मिर्च डाला है, डाल के मैंने हल्का सा भून लिया है। जैसे ये थोड़ा सा भुन गया है उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून हींग। हींग डाल के उसके साथ ही मैंने डाला है एक स्ट्रिप करिया पत्ती। डाल के हम लोग थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। जब सरसों तड़कने लगता है और ये थोड़े से भुन जाते हैं उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च। ये अच्छे से भुन गए हैं, अब मैंने इसमें डाला है बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च। डाल के हम लोग इनको थोड़ा सा और भुनेंगे, इनको हमें कलर चेंज होते तक नहीं भुनना है, जस्ट इसका कच्चापन जाते तक हम इसे भुनेंगे। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सूजी। सूजी के साथ हम बाकी चीज़ों को और अच्छे से भुनेंगे। इसमें अभी मैंने डाला है भुना हुआ सूजी जिसको हमने ड्राई रोस्ट करके रख लिया था। डाल के अभी धीमी आंच पे इसे दो मिनट तक लगातार चलाते हुए अच्छे से भुनना है, ताकि जो हमने तड़का लगाया वो प्याज, हरी मिर्च, सूजी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। दो मिनट भुनने के बाद इसमें नमक मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला है, अराउंड हाफ टी स्पून डाल के मैं थोड़ा सा और भून रही हूँ। भून के अब इसमें बॉइल वाटर जिसे हमने गर्म होने रख दिया था दो कटोरी, वो पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, और पानी डालते समय गैस का फ्लेम एकदम स्लो होना चाहिए। हो सके तो आप गैस का फ्लेम ऑफ करके पानी डाल के फिर से भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम स्लो रखा था, अभी मैं लगातार इसको चला रही हूँ। चला के अभी मैंने ढक के स्टीम पे दो तीन मिनट तक इसे पकने दिया है। तीन मिनट बाद ये एकदम अच्छे से पक गया है, सूजी पानी सोख के फूल गया है। अभी मैंने इसमें डाला है फ्राइड मूंगफली और काजू। अगर आपको उपमा में मीठा पसंद है तो यहाँ पे आप एक टीस्पून शक्कर डाल के मूंगफली और काजू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना। और अगर आपको उपमा थोड़ा सा गीला पसंद है तो दो कटोरी पानी की जगह आप तीन कटोरी पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा उपमा एकदम खिला खिला रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके रेडी हो जाएगा। मैंने इसे सर्व किया कोकोनट चटनी के साथ। आप इसे ऊपर से सेव और धनिया पत्ती डाल के लेमन के साथ भी सर्व कर सकते हो। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी खिला खिला उपमा ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।